नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक रोबोटिक हैंड DIY में कि हम एक रोबोटिक हैंड किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। रोबोटिक हैंड का यूज़ लेबोरेटरीज में होता है और स्पेस में भी होता है, जिससे हम किसी तरह के ऑब्जेक्ट्स जो कि इन्फेक्टेड हो या फिर जिसे हम डायरेक्ट हाथ से ना छू पाए, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम रोबोटिक हैंड का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा ले लेंगे जो कि 1.5 फीट बाई 2 या 2.5 फीट का हो। उसके बाद हम अपना दाहिना हाथ रखकर एक कलम की मदद से, पेन की मदद से हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिस हाथ के लिए हमें रोबोटिक हैंड बनाना है उस हैंड का एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल की सहायता से हम फिंगर्स को सीधे सीधे तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देंगे ताकि थोड़ा रोबोटिक हैंड जैसा दिखे। अभी हम एक डिटेल नाइफ के मदद से इस चित्र को काट लेंगे जो हमने कार्डबोर्ड पर बनाया है। इसे हम बहुत सफाई से, बहुत सुंदर से डिटेल नाइफ की मदद से काट लेंगे। हमने यहाँ पर रोबोटिक हैंड को काट कर रेडी कर लिया है और इसके साथ एक बेस होल्डर भी हम लोग बनाएंगे जिससे हम रोबोटिक हैंड को पकड़ सकें। इसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे कार्डबोर्ड का और उससे हम बेस बनाएंगे। एक बेस होल्डर बनाने के लिए हम एक छोटे से कार्डबोर्ड के टुकड़े लेंगे और उसे उसके नाप के हिसाब से काट कर उसे इस प्रकार से फोल्ड करेंगे बीचों बीच से, और फोल्ड करने के बाद हम उसमें कट्स लगाएंगे और कट लगाकर हाथ को पकड़ने लायक जगह बनाएंगे और उसे हम इस रोबोटिक हैंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ में जोड़ देंगे। साथ ही साथ हम जो फिंगर्स हैं उसे भी फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हमारा फिंगर फोल्ड होता है जिस जिस जॉइंट से, उस तरह से हम इस रोबोटिक हैंड के जॉइंट्स को भी हम फोल्ड कर लेंगे, फिंगर्स को फोल्ड कर लेंगे ताकि ये बराबर हमारे फिंगर्स जैसा ही वो फोल्ड हो और जिससे उसे ग्रिप मिले और किसी तरह का भी कोई भी वस्तु अगर उसे पकड़ना हो, कैच करना हो तो पकड़ पाए। अब हम स्ट्रॉ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और ग्लू गन की सहायता से स्ट्रॉ को चिपकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रॉ को ग्लू गन की सहायता से सिस्टमेटिक तरीके से चिपकाया जा रहा है। डिटेल नाइफ की सहायता से रोबोटिक हैंड्स के जो फिंगर टिप हैं उसमें हम छेद बना लेंगे और उसमें हम धागे को पिरोकर स्ट्रॉ के मध्य में से हम धागों को बाहर ले आएंगे। अब हम धागे को लेंगे और एक बो लाइन बनाएंगे, इसे जीवन रक्षा गांठ भी कहते हैं। बो लाइन के लिए हम पहले एक 6 के आकार का
एक धागे में सिक्स के आकार में हम एक लूप बनाएंगे और लूप के अंदर में से धागे को पार करते हुए रनिंग एंड को फिर बाहर से घुमाते हुए इसके अंदर डालकर टाइट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा बो लाइन। जब भी इस बो लाइन का प्रयोग रेस्क्यू टीम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जब भी किसी को बचाना होता है अगर वो पानी में गिरा है तो इस बो लाइन को बनाकर फेंका जाता है और इसके जरिए उसे खींचकर पानी से निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे कि हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेंगे और उसे लंबे सिरे से कट कर लेंगे और कट करके उसे हम रोबोटिक हैंड के बैक साइड में सपोर्ट के तौर पर प्रयोग करेंगे और उसे चिपका देंगे। अब हमारा रोबोटिक हैंड बन के तैयार हो चुका है और देखिए किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है। हम जैसे जैसे अपने फिंगर्स को मूव कर रहे हैं उस तरह इस रोबोटिक हैंड का फिंगर्स भी मूव हो रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से रोबोटिक हैंड अपना काम कर रहा है और बड़ी ही खूबसूरती से वो चीज़ों को उठाकर रख रहा है, लेकर एक स्थान से और एक स्थान जा रहा है। तो इस तरह से हम एक रोबोटिक हैंड बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।